प्रतियोगी छात्र लोक सेवा आयोग के सामने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और भी जो गाइडलाइन है उनका पूरा पालन करते हुए अपनी बात कहने आए हैं। सर, हम बताना चाहेंगे कि हम सभी लोगों ने PCS 2018 की मुख्य परीक्षा दी थी और उसमें मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, तथा जो है हम लोगों ने जब ये हाल ही में अभी 11 सितंबर 2020 को PCS मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया गया है। परिणाम जारी करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक अविश्वास और असमंजस की लहर उठी हुई है। तो कुछ दिन बाद पता चला कि इस परीक्षा में स्केलिंग, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एकदम अनिवार्य है और 2018 PCS के विज्ञापन में भी जिसका वर्णन है उसका उल्लंघन किया गया है, तथा स्केलिंग नहीं की गई है, जिस कारण मानविकी विषय जैसे इतिहास, रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, दर्शन शास्त्र, इन विषयों के अभ्यर्थियों की संख्या एकदम नगण्य हो गई है चयन सूची में, और जबकि 13,000 से अधिक लड़कों ने इसमें इन विषयों के साथ शामिल हुए थे। सर, 1,000 के लगभग पद था जिसमें इलाहाबाद से ना के बराबर चयन हुआ है, जबकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक गढ़ कहा जाता है। जो स्थान सर संघ लोक सेवा आयोग में दिल्ली का है, वही स्थान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इलाहाबाद का है। सर, जब मैं आपको एक बार ये भी इतिहास की बात बताना चाहूँगा कि जब पहली बार ICS की परीक्षा हिंदुस्तान में हुई थी तो दो जगह से हुई थी, एक इलाहाबाद से और दिल्ली से। उसमें जो है 26 लोगों का चयन किया गया था जिसमें 24 लोग इलाहाबाद से सेलेक्ट हुए थे। तो सर, इलाहाबाद एक शिक्षा की नगरी कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है, लेकिन जब से ये वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार जी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं तब से इनका मनमानापन, तानाशाही एकदम चरम पे है। सर, ये पिछले भी कई बार इन पे आरोप लग चुका है कि ये नियमों और विज्ञापन की शर्तों का पालन ही नहीं करते, मनमाने ढंग से नियम बनाते हैं और मनमानापन करते हैं लोक सेवा आयोग में। सर, इसी कारण आज जब 11 तारीख को जब ये रिजल्ट जारी हुआ तो पूरा प्रदेश एकदम अचक रह गया। अचक किस लिए रह गया कि प्रथम जो 5 लोगों की सूची आयोग ने जारी किया है उसमें 3 लोग बाहर के हैं। सर, हम लोग को इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि कोई किस प्रदेश का है, किस जगह का है, किस भाषा का है, किस धर्म का है, लेकिन सर हम लोग को ये आपत्ति जरूर है कि आप नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। सर, हम लोग बस आयोग से आज इतना निवेदन करना आए हैं कि आप ये हमको बताइए कि 2018 PCS मुख्य परीक्षा में आपने स्केलिंग किया है कि नहीं किया है, आप हमको लिखित में जवाब दें।